नमस्कार, मैं हूं नंदनी शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज टेक उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ को गिफ्ट दिया है। उन्होंने गुरुवार को जिले में 143 करोड़ रुपए कीमत के 50 प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। सांसद चुनने के लिए आजमगढ़ के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए सीएम योगी ने कहा कि संघीय राजनीति के चलते यह इलाका पिछड़ा रहा, यहाँ के लोगों के साथ पहचान का संकट बना रहा। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ को कई सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि राजनीतिक संकीर्णताओं के कारण विभाजनकारी ताकतों की शिकार हुई आजमगढ़ जिले की प्रतिभाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था, मगर यहाँ चुनाव में पराजय के बावजूद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने हालात बदल दिए। मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ में 143 करोड़ रुपए की 50 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि आजमगढ़ की प्रतिभा राजनीतिक संकीर्णताओं के कारण विभाजनकारी ताकतों का शिकार हो गई और जनपद के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। इसके आगे आदित्यनाथ ने कहा कि याद करिए 5 वर्ष पहले जब आजमगढ़ का नौजवान अपने जिले से बाहर जाता था तो उसे अपनी पहचान छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। अगर वह बोलता था कि मैं आजमगढ़ से आया हूं तो आजमगढ़ के नाम पर उसे होटल में कमरा नहीं मिलता था और कोई अपने मोहल्ले में किराए पर भी घर नहीं देता था। लेकिन इस धारणा को बदलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान का आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार 2017 में बनी तो आम लोगों ने प्रदेश के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम तैयार किए। आजमगढ़ में भले ही हमारा विधायक ना रहा हो, लोकसभा चुनाव में भी आजमगढ़ और लालगंज सीट हम हारे थे, लेकिन हमने आजमगढ़ के विकास को रुकने नहीं दिया। प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने वर्ष 2018 में आजमगढ़ में आकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। इस एक्सप्रेसवे ने आजमगढ़ के विकास को एक नई गति दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से आजमगढ़ से मात्र 2 घंटे में लखनऊ और मात्र अब 7 घंटों में दिल्ली पहुंचा जा सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज टेक उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषय पर न्यूज है और भी लेटेस्ट जानकारी की आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं।